बेमौसम बारिश की वजह से कृषि मंडी में खुले में पड़ी हजारों क्विंटल धान खराब हो गई। कृषि मंडी में धान बेचने आए किसानों की धान खुले में पड़े होने के कारण बर्बाद हो गई। किसानों की धान कब खरीदी जाएगी इसका कोई समय नहीं है, जिससे मंडियों में किसान अपनी धान लेकर बैठे हुए हैं। होशंगाबाद में हुई बेमौसम बारिश ने कृषि उपज मंडी में खुले में पड़ा हजारों क्विंटल धान गीला कर दिया। खरीदी नहीं होने के कारण जिले भर की कृषि मंडियों में हजारों क्विंटल धान खुले में पड़ा है। हालत यह हुई है कि जगह नहीं होने के कारण मंडियों में खरीदी बंद कर दी गई है। धान बेचने आए किसान अपनी ट्रॉली लेकर रात से मंडी में ही नहीं आ रहे हैं। उनकी धान कब खरीदी जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। रात से आए हैं तो रात को भी मच्छरों ने परेशान किए बहुत ज्यादा। आए हैं तो कोई व्यक्ति भी नहीं आया और सुबह से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है। धान भीज गई है 10%। कितना माल होगा? 3-4 हजार क्विंटल माल होगा। बहुत सारे कट्टे भीग रहे हैं। कोई उसको ढकने की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है ढकने की। कोई सब परेशानी है पानी गिर रहा था किसानों को, क्योंकि कोई अधिकारी मंडी तरफ से कोई तिरपाल वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे किसान ढाक रहा अपनी धान, जो भी व्यवस्था हो रही है कि 10-12 ट्राली है और बाहर जो खुले में जो है। बाहर तोला हुआ माल है वो होगा 3-4 हजार बोरे करीब, वो सब पानी में पड़ा है। गौरतलब है कि 2 दिसंबर से जिले भर में समितियों के 24 केंद्रों के जरिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। बुधवार तक केंद्रों पर 33,000 क्विंटल धान खरीदा गया, जिसके बाद परिवहन नहीं होने के कारण खरीदी बंद करनी पड़ी। खरीदा गया धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। सुबह हुई बारिश में वह भी गीला हो गया। खरीदी बंद होने के कारण किसान धान से भरी ट्रॉलियां लेकर मंडी में ही डेरा डाले हुए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।